global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company. हेलो क्रिकेट को हिंदी में कहते हैं लंब दंड गोल पिंड तड़ाक तुड़ प्रतियोगिता साथ में प्रतियोगिता भी जोड़ दिया क्रिकेट का मतलब मैच तो बहुत अच्छा कमाल कर रहा है और हमारी खुशनसीबी ये भी है कि हमने हमेशा स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सारे गाने बनाए जैसे चक दे इंडिया तो अभी बनाया था स्पोर्ट्स के लिए लेकिन अब तो देश का गाना बन गया देश के स्पोर्ट्स का एंथम के जैसा उसको अभी माना जाता है और गाया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है बहुत खुशी हो रही है आज कप ऑफ लाइट सीजन 2 का फाइनल है और योगेश भाई ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है फन बढ़ाने के लिए और इनको थोड़ा सा जो प्लेयर्स हैं उनका थोड़ा जोश बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पे नेशनल एंथम भी हमने गाया जन गण मन और बहुत ही अच्छा गेम होने ये सीजन 2 है मेरी शुभकामनाएँ हैं मेरी सीजन 3 भी और सीजन 4 सीजन 5 सके चलता रहे और बड़ा होता रहे देखिए म्यूज़िक और स्पोर्ट्स का हमेशा से ताल्लुक रहा है हम लोग ने काफ़ी सारे गाने भी बनाए हैं चक दे तो एक ही है वैसे हर आईपीएल की सीज़न का गाना भी हमने बनाया है तो हमारा जो एक रिश्ता है स्पेशली क्रिकेट के साथ वो काफ़ी ज़्यादा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जो गेम को बढ़ावा मिल रहा है अंडर आर्म क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है होपफुली ये आगे तक जाए एक मंच मिले इसको और अगर आगे तक जाए तो काफ़ी सारे लोग को पता चले और काफ़ी लोग खेल सके तो कौन सा केस मुझे तो कुछ पता ही नहीं हम लोग काम में इतने बिजी रहते कि हमें पता ही नहीं होता क्या होता है पर ये जो टूर्नामेंट है मैं एक तीन लोगों का नाम लेना चाहूँगा जो लोगों ने टूर्नामेंट में शुरुआत की है केतन लखानी परम लखानी और विक्रम लखानी जी बहुत ही कमाल की चीज़ है ये मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ और टर्फ पे ही खेलता हूँ कभी कभार लॉन्ग पिच खेलते हैं बट शॉर्ट पिच बहुत ज़्यादा खेलते हैं और मेरी एक इच्छा है कि एक दिन मैं भी इस लीग से जुड़ जाऊँ अपनी टीम को लेके आके तो मेरी कोशिश रहेंगी तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इस तरह से स्पोर्ट्स का जो ये लोग बढ़ावा दे रहे क्रिकेट को खासकर हमारे शहर में जहाँ पे लोग इतने भाग दौड़ में लगे हुए हैं खेलने के तो कोई किसको वक्त ही नहीं है तो बहुत अच्छा लगता है कि जब दो टीम्स मिलती है और एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है और आज वो टूर्नामेंट का फिनाले है तो मेरी शुभकामनाएं हैं फॉर द कप ऑफ लाइट यू नो अनफॉर्चुनेट है बहुत देखने जाए तो शी इज़ अ लेजेंड और इतना हमने सोचा ही नहीं था कि इस छोटी उम्र में पर एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ज़िंदगी का आज कुछ कह नहीं सकते अगर आप यू नो डेथ एक केवल एक ही चीज़ है जो परमानेंट है लाइफ बहुत ही टेम्पररी है और डेथ डेफिनेटली परमानेंट है वो एक ही चीज़ है जो हमें पता है कि वो होने वाली है बाकी क्या होने वाला है लाइफ में कुछ पता नहीं है बट मेरी हमारी दुआएं हमारी प्रार्थना है उनकी फैमिली के लिए बोनी कपूर जी के लिए और सारी फैमिली के लिए कि उनकी उनको हिम्मत आए उनको हिम्मत उनके फैमिली में हिम्मत रहे और ये जो दुर्घटना हुई है उनकी फैमिली में उनको ऊपर वाला शक्ति दे वॉज अ लिविंग लेजेंड आज देखने जाए तो 4 साल की उम्र से अगर जो शख्स काम कर रहा है और इतना नाम और इतनी इज्जत मिली उनको हम सिर्फ ये चाहेंगे कि उनकी रूह को शांति मिले और उनके जो फैमिली है बच्चे हैं बोनी जी हैं उनको शांति मिले और वो इस लॉस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सके काम कर सके
थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। काम मैं करता हूँ और सब सुपरस्टार को जानता हूँ, लेकिन जो ये दोनों सुपरस्टार है सलीम सर और सुलेमान सर, एक मेरे कॉल पे मेरे को तुरंत हाँ बोल दिया, तो जो इनका मतलब नेचर है, जो इनका सिंप्लिसिटी है, जो इजीली मतलब आदमियों को हेल्प करने का नेचर है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा उन्होंने इतना रिस्पेक्ट किया। और एक कॉल अवे, वन कॉल अवे, तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में सबको एटीट्यूड और सब देखा है, लेकिन सर एकदम सिंपल सोबर है, इसके लिए मेरे लिए खुशी की बात। आपके जैसे ही है सर। मैं बचपन में बहुत खेलता था और लेफ्टी पे खेलता था और सेंचुरी मारता था, आउट करता था, लेकिन बाद में धंधे की जवाबदारी आई तो मैं सेल्फ मेड था, जीरो से काम चालू किया, तो फिर बाद में क्रिकेट, जीवन, स्पोर्ट्स, सब मजा लाइफ की कम कर दी, क्योंकि पहला पैसा कमाने का था, तो स्टार्टिंग के 25 साल बिजनेस में ब्रांड बनाने में, और अभी स्टार्ट करेगा वापस सर के साथ, अब सीजन 3 में खेलने वाला है। होली है, जूम से होली से लेकर सबका होर्डिंग्स ब्राइटने लगा है, लेकिन मैं होली में प्योरली फैमिली के साथ घर में रहता हूँ और बीवी बच्चे के साथ पूरा दिन टाइम बिताता हूँ, क्योंकि डेली इवेंट्स आउटडोर सब रहता है और ये दिन है ना सब बंद रहता है, तो मैं घर पर रहना प्रीफर करता हूँ। अरे होली के दिन कल रात को ये गाना रिलीज हो जाएगा, जब होली की होली जलती है जो कल रात को जलेंगी, तो हम एक बहुत ही प्यारा गाना रिलीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है बालम जी। ये गाना है वो राजस्थानी फोक सिंगर सत्तार खान के साथ हमने कोलैबोरेट किया, और ये कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है, ट्रू स्टोरी है एक फोक सिंगर की, एक लोक संगीत, एक लोक संगीत गायक की, जो 15 साल की उम्र में जब मुझे मिला था इंडियन आइडल के ऑडिशन में आया था, और ऐसा हुआ कि 6 साल बाद हमारी मुलाकात फिर एक बार हुई महफिल में, एक प्राइवेट महफिल में, और हम इतने प्रभावित हो गए उसकी आवाज़ से कि हमने सोचा कि आज से, यानी मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हम उसको सलीम सुलेमान का लाइव कॉन्सर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा बनाए, और वो आज तक जारी है। और ये जो गाना हम कल रिलीज़ कर रहे हैं वो होली के माहौल पर आधारित है, और मेरी बहुत ही इच्छा है कि लोग सुने इसको, और इसकी इसका जो ट्रू, इसकी जो स्पिरिट है होली की, जो एक दूसरे के साथ में प्यार जताना, एक दूसरे की साथ में गले मिलना, रंग लगाना और दिल मिलाना, वो इस गाने में है। और हाँ, नहीं, 2 लाइन अभी बहुत हो गया गाने का, आप कल गाना सुनिए। मेरी यही इच्छा है कि थैंक यू वेरी मच, आई होप दैट ये सॉन्ग जब आप सुनेंगे तो इसकी जो भावना है, इसकी जो स्पिरिट है, उसको आप समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे भाई का लड़का है और उसको हम सपोर्ट करने के लिए दिन रात एक करके उसका हेल्प कर रहे हैं, उसके डैडी है केतन लाखानी और इनके ब्रदर है विक्रम लाखानी, ये 3 जना मेन है जिनकी वजह से आज मीडिया आई है। सोचते हैं लगते थैंक मिस्टर सलमान सलीम एंड सलमान फॉर बीइंग हियर, इट वाज रियली गुड टू हैव यू ऑल हियर। और अभी ये सीजन 2 अच्छा गया है, ये सीजन 3 में देखते हैं और क्या कर सकते हैं, हम जरूर को बड़ा करेंगे और विद योर सपोर्ट वी विल मेक इट बिगर। सर आ गया तो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। साथ में तो कुछ यादें बताएंगे तो बच्चे साहब थोड़ा इमोशनल होते कहते हैं, हृदय के साथ हमने बहुत काम किया, असल में हमारी शुरुआत केजी से हुई, केजी से, हाँ खुदा दरबार केजी, खुदा का वक्त फुल फॉर्म के जी होता है, आज मुझे पता चला। और के जी से मुझे आधा ए जी ओ जी लो जी सुनो जी अनिल कुमार साहब के साथ एक बार तो अपनी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए थे तो बच्चे ने पूछा, पापा पापा हमारी लेडीज टीचर बहुत सुंदर है ना, पापा पापा हमारी लेडीज टीचर बहुत सुंदर है ना, तो ये बोले ऐसा नहीं कहते बेटा, ये जो लेडीज टीचर है वो तुम्हारे लिए माँ की तरह। तो बच्चा बोला क्या पापा यहाँ भी अपने जुआ। तो मैं ज्यादा सदमा नहीं दूंगा आप लोगों को, हम सब इस वक्त क्रिकेट के मूड में हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी किसी एम्पायर के हमारे को ढूंढते हैं फिर उसको इससे प्यार करते हैं। अच्छा मुझे बताओ क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, आप तो मुझे बता दोगे। अब इन दोनों से पूछे, देखिए एकता जी तो टैलेंटेड है इसमें कोई शक नहीं, इनकी पास बालाजी की कृपा है, बालाजी की कृपा है। एकता जी का सपोर्ट जिसके साथ रहेगा वो हमेशा टिके रहेगा, एकता जी का सपोर्ट जिसके साथ में रहेगा ताली बजाइएगा, एकता का सपोर्ट जिसके साथ में रहेगा वो टिके रहेगा, टीके तुषार कपूर। मैंने हिंदी में कहा तुम तेलुगु में जवाब दे रही हो, नहीं, सही बोला। जागीरा जी आप जरा
अंडर 18 में ओपन है, ओपन है तो तरीके से शायद योगेश भाई भी खेल रहे होंगे तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आज यहां पर खेल रहे हैं, भगवान की आप पर ऐसी कृपा हो, ईश्वर की आप पर ऐसी कृपा हो, आपके माता पिता का आशीर्वाद आप कैसे मिले कि एक दिन आप विराट कोहली की टीम में खेलें। मैं शुभकामना देता हूँ और आपकी भी शादी अनुष्का शर्मा जैसी खूबसूरत लड़की से हो, यही मैं शुभकामना देता हूँ। और बाकी तो यही कहूँगा कि क्रिकेट जो है अभी IPL आपने देखा होगा, हाल ही में खत्म हुआ, एक जीरो खिलाड़ी आउट हुआ, मुझे रोता हुआ मिला योगेश भाई, उन्होंने कहा क्या हुआ क्यों रो रहे, तो हरिजीत के गाने में कह रहा है बल्कि मैं तो उसको ऐसा सोचता हूँ कि ऐसे कलाकार जो है ना वो आम आदमी की तरह जीने नहीं आते दुनिया में, वो एक मिसाल देने आते हैं, एक ट्रेंड सेट करने आते हैं। श्रीदेवी जी बिल्कुल वैसे ही थी, वो फरिश्ता थी, वो नाम भी उनका देवी था, वो देवी ही थी, वो आई थी धरती पर सुपरस्टारडम का एक मिसाल कायम करने के लिए, फीमेल सुपरस्टारडम का, फीमेल फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार जिन्हें कहा जाता है, वो आई और अपना काम करके इस दुनिया से सबको एक प्यारा सा अलविदा करके चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो आम व्यक्ति थी ही नहीं, वो आम जिंदगी जीने आई नहीं थी, और उन्होंने अपना व्यक्तित्व जिया और सबको एक मिसाल करके दुनिया से शुरुआती हो गई, लेकिन उनके फिल्मों के जरिए वो हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। और बात तो वही है कि वो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, कुदरत के हाथों से, कुदरत के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन श्रीदेवी जी आपको नमन है, आपको सलाम है, आपके काम को प्रणाम है। थैंक यू। टीम भी है काफ़ी कमाल कर रही है क्रिकेट के मैदान में। नहीं बिल्कुल, मैंने एक T10 गली क्रिकेट एंकर किया था तो उसकी मुझे एकदम याद आ गई है और बहुत अच्छा है, खेलना चाहिए। आई बिलीव इन स्पोर्ट्स, सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जो ब्राइट कर रहे हैं इट्स वेरी गुड। आई थिंक वी शुड इनक्रेज स्पोर्ट्स इन एनी फील्ड, लाइक एनी मैटर। My God, that's really so unpredictable, and it's just, you know, you feel very scared, you feel very sad, and she was such a lovely, I mean, she's like everyone's, you know, childhood fan, like we are all fan of hers, and you know, nobody can dance like her, and I've heard that somebody has taken the rights to make Sadma. A movie. I don't know which actress can pull off that role. It's very difficult. So it's. I've heard that sari actresses dar rahi hain wo role karte waqt, like lete waqt. So I don't know. I mean, I just pray. I mean, her soul rests in peace, and I just you know pray for those lovely two daughters of hers, Janvi and Khushi, ki unko means Khuda acha kamyabi naseeb kare aur kya. Thank you. Thank you. Thank you. इंटरनेशनली क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा हो गया है क्रिकेट और खासकर वुमेन की बात करें तो? सबसे पहली बात तो मैं दोनों टीम को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। जो भी जीते क्या फ़र्क पड़ता है, खेलना चाहिए, लाइफ में गेम होनी चाहिए, यू हैव टू प्ले। वैसे भी ये दुनिया भगवान ने बनाया हुआ है, खेल ही है। सो एनी विच वेज आई लव क्रिकेट। मुझे बस जब भी आई वॉज लिटिल किड अज़हरुद्दीन जी थे, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसके बाद में इन मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड वुमेन प्लेइंग क्रिकेट एंड दे आर विनिंग, दे आर गेटिंग कप्स एंड दे आर गेटिंग ट्रॉफीज़ फॉर इंडिया, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Yes, today I was there for the funeral. I had gone to Celebration Club also, and then later on I went to Pavan Hans also. Anil ji ke saath maine 24 ki hai first season, and it was actually बहुत पेनफुल है, बट मैं एक चीज़ को, इस चीज़ को है ना पॉजिटिवली इस तरीके से देखना चाहूँगी कि श्रीदेवी मैम इंडस्ट्री में आई, बचपन से उन्होंने काम किया, ग्रेसफुली उनका इनिंग इन लाइफ इन इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत रहा, उन्होंने शादी की, उनके दो खूबसूरत बच्चे हुए, एंड शी वॉज सो गॉर्जियस, सो ब्यूटिफुल, सो अडोरेबल एंड सो कम्प्लीट वुमेन, एंड शी लेफ्ट लाइफ एट अ पीक, यू नो, ग्रेसफुली, नो कंप्लेन्स।
She was beautiful. She passed away beautiful. So हमारे दिलो दिमाग में सबके दिमाग में एक खूबसूरत उनकी इमेज छोड़ के गई हैं and that should be looked upon rather than जो कुछ भी plus minus है उस चीज़ को ignore करके जो प्यारी सी memory है उसको savor करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि world में forget about India world में कोई Indian हो या कोई Bollywood का चाहिता हो और उसको श्रीदेवी जी के बारे में ना पता हो so she has left a beautiful memory today with us और वो अमर हो गई है she is immortal इतना हुआ कर मैम क्रिकेट का हिंदी रूपांतर कौन बताया आपको सुनील पाल जी ने बताया किसने बताया आपको नहीं उन्होंने नहीं बताया मुझे पहले से पता था हम लोग कॉलेज में ये सब संस्कृतीकरण करते रहते थे बिकॉज स्कूल में मैंने संस्कृत पढ़ी है तो हम लोग हर चीज़ का संस्कृतीकरण करते रहते हैं जैसे रेलवे के लिए लोह पद गामिनी कहते हैं ऐसे कई शब्द हैं जिसको हम लोग संस्कृतीकरण करते रहते थे तो ये एक क्रिकेट के लिए हम लोग ने सोचा कि उसका क्या हो सकता है तो बस वही आ गया कि भाई लंब दंड मतलब बैट हो गया गोल पिंड मतलब बॉल हो गया और तड़क तुड़क मतलब चौके छक्के मारना और प्रतियोगिता मतलब मैच हो गया मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो इस तरह देखना चाहिए कि वो किस तरह जी हैं अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही थी एकदम खुशी खुशी से हंसी से सबको एंटरटेन करते हुए तो उनको वो चीज़ें याद हमको वो चीज़ें याद रखनी चाहिए उनकी ना कि वो किस तरह से या उनकी विदाई किस तरह से हुई तो आई ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग तो मैं ये सोचती हूँ कि उनकी जो पॉजिटिव साइड थी वो एकदम जो खुल के एकदम रंगीन तरह से रहती थी उस तरह हमें उनका रहना चाहिए थैंक यू